ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे, श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके, ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं नहीं, कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर, मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर, सर सर सर, माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस ठाकुर, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही है, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। ऐसा दिखवा के उसको स्पंज करूँगा, आप बताइए। सुन रहा हूँ। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना, आप लोग सभापति महोदय, वर्षा जी सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पंज कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई, अब माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आर जी वान जी ने